गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, सॉइल यानी मिट्टी। हम इसमें मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की मिट्टी होती है, क्या होता है उसमें, ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे कि कितने तरह की होती है, टाइप्स कितनी होती है, सॉइल की लेयर कितनी होती है, यानी जो हम ऊपर देखते हैं सिर्फ वही मिट्टी नहीं होती है, उसके नीचे भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन एक तरीके से आप कह सकते हो कि किस किस तरीके से सॉइल खराब हो जाती है और सॉइल कंजर्वेशन यानी सॉइल को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। हियर वी गो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं व्हाई इज द सॉइल इम्पोर्टेंट फॉर अस, सॉइल हमारे लिए क्यों जरूरी है। हैव यू सीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, क्या आपने कभी अलग अलग सॉइल की लेयर देखी है। लेट अस फाइंड आउट, अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। सॉइल सपोर्ट्स लाइफ, सॉइल जो है ये लाइफ को सपोर्ट करती है, राइट। कई सारे कीड़े मकोड़े जो है अगर सॉइल ना हो तो वो उसके अंदर नहीं रह सकते। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज फॉर्म्ड बाय सॉइल, यानी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो सॉइल से बनती है, ठीक है। विच हैज वाटर मिनरल्स एंड गैस इनसाइड इट, यानी जो हम देखते हैं जिसमें हम पेड़ पौधे लगाते हैं वो सबसे ऊपर की लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है और इसके अंदर ही क्या होता है, पानी भी होता है, मिनरल भी होता है और गैस भी होती है। इट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लाइफ, ये लाइफ की फाउंडेशन है, यानी अगर सॉइल नहीं हो तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बहुत सारे जीव भी नहीं होंगे, राइट। देखो क्या होता है, एक फूड चेन होती है, अगर प्लांट्स को जो है वो कुछ जानवर खाते हैं, फिर उन जानवर को दूसरे जानवर खाते हैं। अगर बेस ही नहीं होगा, प्लांट ही नहीं होंगे तो क्या ये जानवर जिएंगे, जब ये नहीं होंगे तो ये भी नहीं जिएंगे। यानी सॉइल जो है वो जीवन का फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब अगर सॉइल ना हो तो किसी का भी लाइफ जो है वो नहीं होगा। इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग हीट विंड एंड वाटर अफेक्ट द लार्ज रॉक्स विच ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल पीसेज एंड कोलाइड ईच अदर अगेंस्ट द ग्राउंड, ठीक है। अब क्या है वेदरिंग, क्या प्रोसेस है वेदरिंग में, क्या होता है, हीट विंड और वाटर जो है वो बड़ी बड़ी रॉक्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं, और अफेक्ट मतलब कोई उसको गला देता है, कोई उसको गिरा देता है, और ये क्या होता है रॉक्स जो है बड़ी बड़ी चट्टाने या पत्थर जो होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं एक दूसरे से टकरा के, ठीक है, ग्राउंड पे आ जाते हैं। दिस कोलिजन चेंज देम इनटू वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और ये टकराना क्या होता है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में जो है रॉक को बांट देता है। आपने देखा होगा कहीं पर लैंडस्लाइड होती है, जैसे अभी इस मौसम में हो रही है, हिमाचल प्रदेश में हो रही है, ठीक है, बहुत सारे जगह पर चट्टाने टूट टूट कर गिर रही हैं, तो वो क्या होता है वो छोटे छोटे पीसेस में टूटते जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर तो बड़े थे फिर जैसे वो नीचे आते जा रहे हैं वो टूटते जा रहे हैं इधर उधर टकरा के। दीज फाइन पार्टिकल्स मिक्स विद हमस, और ये जो फाइन पार्टिकल्स है ये हमस के साथ मिल जाते हैं, दैट इज रिमेन्स ऑफ डीकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स एंड मेक सॉइल। हमस क्या होता है, यानी जो पेड़ या पौधे मर जाते हैं उनका जो बचा कुचा हिस्सा होता है उसके साथ मिल जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, सॉइल। एज वी नो वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड, जैसा कि हमें पता है कि हम अपने खाने के लिए किस पर डिपेंडेंट है बेटा, पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है। दीज प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो, और इन पौधों को क्या जरूरी है, सॉइल जरूरी है जीने के लिए। अगर सॉइल नहीं होगा तो ये पानी नहीं ले पाएंगे, मिनरल्स नहीं ले पाएंगे, और क्या कहते हैं तो कैसे बनाएंगे खाना, राइट। प्लांट गिव फिजिकल सपोर्ट फ्रॉम सॉइल एज देयर रूट ग्रो इनसाइड द सॉइल, और ये दूसरी बात, सॉइल जो है इनको सपोर्ट भी करती है। अगर सॉइल नहीं होगी तो सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, टू होल्ड एंड सपोर्ट इट, और सॉइल क्या करती है, इसको होल्ड करती है और सपोर्ट करती है सीधा खड़े होने में। प्लांट गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो, पेड़ पौधे जो होते हैं उनको पानी और जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सब भी सॉइल ही देती है। प्लांट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्लांट जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। जैसे आपने ये अभी फूड चेन में आपको पता होगा कि एक होते हैं प्रोड्यूसर्स यानी जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, और एक होते हैं कंज्यूमर्स जो खाने कंज्यूम करते हैं यानी खाते हैं। जैसे इंसान है वो कंज्यूमर है, क्यों, क्योंकि हम अपना खाना बनाते नहीं है, हम गाजर को बनाते नहीं है, हम क्या करते हैं प्लांट से ले लेते हैं और उसको खा लेते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब जो उसको बना रहे हैं यानी प्लांट, प्राइमरी मतलब सबसे पहले, ठीक है, यानी प्लांट का खाना कोई नहीं बनाता, सबसे छोटा चीज जो होती है, जो सबसे पहली चीज होती है फूड चेन में वो प्लांट ही होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट फॉर फूड, सारे ही ह्यूमन बींग और एनिमल प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए,
चाहे वो ओमनीवोरस है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है। अगर ओमनीवोरस है या कार्निवोरस है, यानी वो दूसरे जानवरों को खाता है, तो जब वो जानवर ही नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे, तो वो जानवर भी जिंदा नहीं रह पाएंगे और तो वो अपना फ्लैश भी नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए सारे ही जीव जंतु अपने खाने के लिए पौधों पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, सॉइल इज द होम टू मेनी एनिमल्स। सॉइल जो है वो कई जानवरों का घर भी है, जैसे आपने देखा होगा केचुए हो गए, जोंक हो गई, ठीक है, कुछ और कीड़े हो गए, वो सॉइल में ही रहते हैं। दे मेक देयर शेल्टर इन द सॉइल, वो अपना घर जो है, शेल्टर जो है सॉइल में ही बनाते हैं, एंड गुड गेट फूड फ्रॉम इट, और खाना भी वहीं से ही लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल, यानी कितने तरीके की सॉइल होती है। द सॉइल ऑफ वेरियस प्लेसेस मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी अलग अलग जगह की सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो अलग अलग तरीके की होगी। इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रॉक प्रेजेंट एट अ प्लेस, किस चीज पर डिपेंड करती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, सॉइल कैसे बनती है, रॉक्स को टूट टूट के। तो सॉइल भी हर जगह की उसी पर डिपेंड करती है कि वहां की रॉक्स कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, और लोकल सॉइल कैसी है जिसके साथ वो जुड़ती है, फॉर्म होती है। सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी दिखने के हिसाब से, जैसी वो दिखती है उसके हिसाब से हमने इसको तीन कैटेगरीज में बांट दिया है। सबसे पहली है ग्रेवल। ग्रेवल इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्टोन्स, ये है ग्रेवल। ये किससे बनती है, छोटे छोटे पत्थरों से बनती है। दीज स्टोन्स आर हार्ड, ये स्टोन्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, एंड हैव स्पेस बिटवीन देम, अलाउ वाटर टू पास ईजिली, और इनके बीच में देखो आपको दिख रहा होगा स्पेस होती है, ताकि पानी जो है वो आराम से इनके बीच में से निकल सके। दीज स्टोन्स कांट होल्ड वाटर, ये जो स्टोन्स होते हैं, क्यों इनके बीच में स्पेस होती है, क्योंकि जो स्टोन्स हैं ये अपने अंदर पानी को समेट नहीं सकते। जैसे सॉइल होती है, ऐसी सॉइल जो होगी, सैंड जो होगी, वो अपने अंदर पानी को रख लेगी, मगर क्या ये रख पाएगी, नहीं। दूसरा टाइप है सैंड। सैंड इज कंपोज्ड ऑफ फाइन ग्रैनुल्स ऑफ मिनरल मटीरियल, यानी सैंड जो है एक ग्रैनुल मतलब मिक्सचर होता है मिनरल मटीरियल का, यानी कुछ मटीरियल का। दीज ग्रैनुल्स ऑल्सो अलाउड वाटर टू पास थ्रू देम, और ये जो ग्रैनुल्स होते हैं ये भी अपने बीच में से पानी को निकलने की जगह देते हैं। थर्ड होती है क्ले। क्ले सबको पता है, आपके स्कूल की विंडोज पे लगी होती है, ठीक है, और आपने बचपन में खेला भी होगा क्ले से, आप निकाल के लाते हो, उससे अलग अलग ड्रॉइंग्स बनाते हो। द क्ले इज द कॉम्पोजिशन ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट कैन बी कैरिड टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड एंड वॉटर। जो क्ले है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, और इसको आराम से बहुत दूर तक पानी या फिर हवा उड़ाकर ले जा सकती है। क्ले बिकम थिक, हैवी एंड स्टिकी व्हेन इट मिक्स विद वाटर, और क्ले कैसी मोटी और स्टिकी बनती है, जब आपके विंडोज पे लगती है तो चिपचिपी होती है, कैसे बनती है, जब हम उसको पानी के साथ मिक्स करते हैं। इट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट, और अपने अंदर से पानी को निकलने नहीं देती, यानी अगर पानी इसके अंदर आ गया, जैसे आटा होता है, कभी आपने देखा आटे के अंदर से थोड़ी देर बाद रखा रखा पानी निकल जाए, नहीं, वो आटा अपने अंदर भर लेता है, ऐसे ही क्ले होती है, क्ले भी पानी को अपने अंदर भर लेती है। द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड इज कॉल्ड लोम, और जो क्ले और सैंड का मिक्सचर है उसको क्या बोला जाता है, लोम। द प्रेजेंस ऑफ हमस मेक लोमी सॉइल द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, और जो हमस का प्रेजेंस है लोमी सॉइल में, यानी जो लोमी सॉइल होती है क्ले और सैंड को मिला के, ठीक है, वो जो है बेस्ट सॉइल मानी जाती है प्लांट्स को उगाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल, ये आपको अलग अलग टाइप का दिया है, पिक्चर्स दी हुई है इसके साथ, ठीक है। लेयर ऑफ सॉइल पढ़ेंगे कि सॉइल की कैसे कैसे लेयर होती है। सॉइल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग लेयर्स, कुछ लेयर्स का बना होता है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है बेटा, ये पोर्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी तक के लिए हम क्ले तक ही पढ़ेंगे। लेयर ऑफ सॉइल यानी क्या लेयर्स होती है सॉइल की, ये हम वीडियो नंबर 2 में पढ़ेंगे।